धर्म राजा सोचते सोचते लगा कि माता तेन दो दिन की जिंदगी दे सकदा अजे तेरे पांच भौतिक शरीर का संस्कार नहीं होया अमर छक आ गई जिन्निया गप कहानियां मर लगा का अंगूठा लिया इदा दिया बाबिया नाल कहानियां जोड़िया महापुरखों की माता पता ही है तुहानू किहड़े बाबे ने जोड़ी है हुण मुड़ के आंदे भी ये बाबिया बारे बोलता मेरे बारे फिर परचे कराउण तुरदे गल्लां का जवाब दे साडे कोल परचियां वाले बने तुरदे भाईजां नूं वाहण इक्को जी है फिर कोई गल नहीं हुण कहिंदे बाबा महापुरखों की माता चढ़ाई कर गई उन्हें अमृत नहीं छकिया वो रब को गई उत्ते तो रब ने कि धर्मराज के टेंशन च हो गया वह कहता भी हूँ मैं तेन स्वर्ग च कर नहीं सकता तू अमृत नहीं छकिया तो नरक में तेन मैं ता नहीं कर सकता तू महापुरखों की मां वा मतलब ये जड़े बंदे आ जड़े बाबे आ ये रब न भी धर्मराज न भी टेंशन च पा देंगे सोच के देखो वो कहते फिर की होया उन्हें कहा चलो तेरा लिहाज कर दिया भी तू वापस चल जा जेड़े प्लेन से चढ़ के उस प्लेन फिर बाहर कई बार बंदे क्या कई डिपोर्ट कर देंगे जिम्मे एयरपोर्ट से उतर नहीं देंगे कहते इतने जेड़े प्लेन से आए उत्थे घंटा दो घंटे बिठा के कहते इसे प्लेन से हूँ तेन वापस कर लेना इन्ना तेरा लिहाज कर देने भी जेड़े प्लेन से माई तू आई हाँ भी थोड़ा बहुत पायलट चाह पानी छक लैन भी नहा लैन शावर लै लैन तो मुड़ के उस प्लेन से तेन वापस कल देने हूँ मैं ना नहीं लिया के माँ पुटता तो जिते गिटे लगनी आपे लग जानी सिर तक पिट थ्यापा ना पा देना तो प्रबंधकों फोन आ जाएगा भी यहोजा प्रचार दोबारा पिंड नहीं बनना चाहिए यहो कुछ होर पले तो कख नहीं है भी तुम अपन गप कहानियां सुनाई जाओ असी चीरफाड़ भी ना करी सी मिलाजा भी ना करिए हूँ अभी पोस्टमार्टम भी ना करिए हम करा अंत पूरे जो तक सह चलते वो कहते रब ने फिर धर्मराज ने कहा भी चल पायलट की ड्यूटी लाई भी तुम हम सारे स्टाफ ने कहा भी हम मुंबई में फिर वापस लेके जाओ फिर जहाज उतों फिर वापस आया इधर भी थोड़ा टाइम होगा भी अगते होने के भूआ मासी दूरों बाबे कहते सिनेहा च लैके अंगूठा लिया माई भाई ऐसा माई का अंगूठा लिया हम कई मावं सोचना साढ़े ना भी इदा हो ताड़े ना नहीं होना क्योंकि अपने कहे बच्चे महापुरख है तो महापुरखा से रहा था अपने अपने माता वहां कभी नहीं होना अपने ये तो महापुरखों दिया माइया वास्ते हों गल कभी गप कहानियां ये कोई वेखण आया वो अंगूठा लिया कहते की होया माई का अंगूठा लिया अच्छा अच्छा ये थोड़ी मुद्दे लकड़ा रखी हो माई में थोड़े कटे आ लकड़ा को उठ के बह गई माई लै माई तो जूंदी होगी वो गाड़ियों की जूंदी जाती कोई ना आई माई मैं तो अमर छकन आई हाँ हुण माई नूं अमर छकाउण लग पए हुण आ कथा है बाबे दूजे तरीके नाल सुणदे मैं दूजे तरीके नाल सुणाती हुण उहनूं अमर छकाया माई नूं की किदां छकाया उपर लै जा अमर छकाया फिर अखां छटे मारे माई अज तों बाद पराया रूप नहीं तकना उह आंदी मैं तां मारी जाणा फिर कह दिंदे अज तों बाद के मड़ी ते मत्था टेकणा हुण उहने मारी जाणा हुण विचारी ने मत्था कित्थे टेकणा हुण सारियां उहनूं रहतां करैतां दस्सियां होणगियां ना माई नूं सारा कुछ दस्या वो माई फिर कहते अमर ज्यादा तैयार हो गया माई अमर ज्यादा तैयार कर बैठे माई एक शिकायता माई नाल चढ़ाई कर गई फिर उस तरीके उस पायलट फिर जहाज लैके चल चलो धर्मराज ने थोड़ा जा पायलटा जलपण छकाता से इधर इन्हें कितों छकाना से पहला रोन करलाउन डे वह फिर लैके जहाज इधर कहते फिर अमृत ज्यादा वध गया फिर खालिया च इधर उधर फिर यो अमृत यह हूँ तुम पूछ ही लियो भी कि महापुरख की गल तुम पता ही है सारे भी कि महापुरखों की माई फिर दोबारा इतने धरती से फिर आया बड़ी देर गप कहानियां बाबिया दियां इन्होंने लोगों को सुना छड़ी मजाल आ कि जथेदार की इन्ह साधा बारे जबान खोलती हो सगो उल्टा कहते जी फलाने महापुरखों को चैलेंज कर रहे भी थोड़े मासी के पुत लगते हैं सिखा की कौम की सिखी की जड़ी तेल देने वाले लोग ने सिखा गुरु नानक साहब की सिखी दंदियां चढ़ाने वाले लोग दरा खैबर का राह बंद करने वाले जो सिख ने उन्होंने हाथों च सिमरने फड़ाने वाले लोग ने जिन्हां दी एक खंगूरे तो काबल कंधार तक आवाज आती सी धरती पुट की भूरिया च बिठाने वाले लोग ये साढ़े ही जागदा जी ये साढ़े अपने है जी ये इन्हें बड़े पंथ की बड़ी वड्डी सेवा की एक एक लीडर का झुडू जी का बयान आया जी अखबार चो कहिंदा आ जिहड़े खैर नान लई दवां भी ये जिहड़े नानकसर वाले आ जी ये इन्हों डेरे ना कहो तुम दसो जी की कहो जी हम तुम आप वापस जाने हम सोच के देखो कितों कौम तुम कितने लिया के साथ खिलाफ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨਾ ਕਹੋ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਦੂਜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹਾਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਆਏ। ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ, ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਹਨ ਚਾਨਣ ਉਹਨ ਸੋਕਿਆ ਚੂਕਾ, ਜਮ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਜਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਜਮ ਹੈ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ।